नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉपुलर कोर्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं राजकल प्रकाशन समूह से अलिन। तो हम बात करेंगे अलिन से हिंदी की साहित्य की जो चीज़ें हैं उसके बारे में, और साहित्य सिनेमा से जुड़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड बातें भी हम करेंगे। तो मैं आपसे जैसे शुरू करूँ, तो सबसे पहली चीज़ कि पहले के ज़माने में हिंदी साहित्य पर बहुत फिल्में बना करती थी। फिर एक दौर आया जब हिंदी साहित्य या और भी कोई साहित्य वो दूर हो गया। अब लेकिन वो दौर वापस आ रहे हैं, अंग्रेज़ी के तो कई सारे नॉवेल्स फिल्में बनी हुई हैं। तो एक बड़े प्रकाशक के तौर पे आप कैसे इस दौर को देखते हैं और आपकी तरफ से इसमें क्या क्या योगदान चल रहा है? जी, हमारी बहुत सारी ऐसी काल्पनिक रचनाएं हैं जिसमें फिल्में बन चुकी हैं। 50 से ज़्यादा ऐसी हमारी कृतियाँ हैं जिसके ऊपर फिल्म या धारावाहिक आ चुके हैं, जैसे राग दरबारी, तमस, मैला ठुमरी जिसके ऊपर तीसरी कसम आई, और हाल में अगर हम देखें तो मोहला आसी जिसकी काशी के आसी पर आधारित थी, और कसब मनोश्याम जोशी की, उस पर भी हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ पर्दे पे देखने को मिलेगा। एक और जो चीज़ है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि पहले तो सिर्फ फिल्मों का दौर था, अब तो वेब सीरीज़ का भी दौर है। तो एक तो लेखन का स्कोप बढ़ा है और लिखने वालों के लिए जगह भी बढ़ी है। तो नए राइटर्स के लिए आप जैसे कुछ कहना चाहें तो नए राइटर्स के लिए क्या स्कोप है, और एक प्रकाशन समूह के तौर पे आपके लिए क्या स्कोप है वहाँ? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है कि अब जितना कंटेंट विजुअल फॉर्मेट को चाहिए वो उतना कंटेंट खुद जनरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको अब स्टोरी चाहिए, उनको एक कहानी चाहिए। वो सिर्फ सेक्स को, रोमांस को दिखा दिखा के लोगों को अपनी तरफ रोक के नहीं रख सकते, तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि किताबें जो ऑलरेडी स्थापित हो चुकी हैं, ऐसे लेखक जो लोग उनको जानते हैं, जिनकी ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू है, उस तरह की चीज़ें वो सिनेमा में लेके आए, उसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा और साथ में जो किताब को एक वाइडर ऑडियंस मिलेगी वो दोनों के लिए बहुत अच्छी होगी। जैसे हाल में अगर हम देखें कि नंदिता दास जी ने मंटो फिल्म बनाई, उससे पहले मंटो लोग जानते थे, मंटो को लोग पढ़ते थे, उनकी कहानियों के बारे में बातें होती थी, लेकिन जब से वो बायोपिक बनी उसके बाद से मंटो को हर कोई जानता है। अब हमने एक सिलेक्टेड कलेक्शन निकाला मंटो का, जो फिल्म के साथ हमने एक पार्टनरशिप करके रिलीज़ किया, तो हमने खुद ये फ़र्क देखा कि मंटो को लोग सिर्फ ये समझ के लेते हैं, हाँ मंटो के बारे में उनको फिल्म से जानने को मिला, उसके चरित्र के बारे में जानने को मिला, किस तरह की कहानियाँ लिखते थे। तो किसी भी कहानी का, उपन्यास का या राइटर के ऊपर किसी भी तरह का विजुअल अडॉप्शन होता है तो वो साहित्य के लिए बहुत अच्छा है, और साथ में वो फिल्म को उससे एक बेस मिल जाता है। आपने मंटो की बात की, लेकिन आपके प्रकाशन समूह से मुल्क की स्क्रिप्ट भी रिलीज़ हुई है और सौरभ शुक्ला का बर्फ का प्ले भी रिलीज़ हुआ है। और हाल में आपने एक और ट्रेंड जो देखा होगा, जो मैं आपसे पूछना भी चाहता था, कि पहले अंग्रेज़ी के राइटर्स की किताबें हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होती थी, लेकिन अब अंग्रेज़ी के राइटर्स, जैसे आपने खुद अरुंधति रॉय की एक किताब का ट्रांसलेशन निकाला है हिंदी और उर्दू, तो इस दौर को आप कैसे देखते हैं? ट्रांसलेशन हमेशा से होते आ रहे हैं। अरुंधति जी की जो पहली किताब आई थी उसका मामूली चीज़, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन हमने हमारे प्रकाशन से ही हुआ था। मेरे ख्याल से वो 20-21 साल का ये गैप रहा जब उनका दूसरा उपन्यास आया, तो हमेशा से ही ट्रांसलेशन हिंदी में आते रहे हैं। हाँ, लेकिन अब लोगों के अंदर ये जिज्ञासा भी है कि जो किताब हिंदी में उपलब्ध हो सकती है, जो कंटेंट हिंदी में आ सकता है, उसे वो इंग्लिश में क्यों पढ़े। और ये एक प्रकाशक की भी जिम्मेदारी है कि कोई किताब अगर इंग्लिश के रीडर्स के पास उपलब्ध है और वही किताब का अच्छा ट्रांसलेशन हिंदी में भी उपलब्ध कराना, ये एक जिम्मेदारी है प्रकाशक की जो उसको निभानी चाहिए। तो अभी साथ में मतलब आप इंडियन जो राइटर्स हैं इंग्लिश के, उसके साथ साथ इंटरनेशनल राइटर्स की भी किताब हमारे यहाँ उपलब्ध, मतलब हर कोई प्रकाशक करता है। जैसे हमारे यहाँ से भी स्टीफन हॉकिंस की किताब है, अम्बर्टो इको की, मार्केस की, अल्बर्ट कैमस की, जस्टिन गार्डर की, तो इसकी मांग लगातार बनी हुई है और लोग पसंद करते हैं कि अन्य भाषाओं की, इंग्लिश की या अन्य भाषाओं की अगर कोई किताब है और वो हिंदी में अगर उपलब्ध हो तो वो तो अन्य भाषाओं में, जैसे हमारे यहाँ तो क्षेत्रीय भाषाएं भी बहुत सारी हैं, तो उनमें से आप बताइए कि किन किन भाषाओं की किताबों की मांग ज़्यादा है जिनको आप हिंदी में ट्रांसलेट करवाते हैं? हमारे यहाँ भारतीय और भारतीयतर भाषाएं अगर हम मिलाएं तो 25 से ज़्यादा भाषाओं में किताब, दूसरी भाषाओं से किताबें हमने अपनी भाषाओं में लेके आए, उसमें बंगाली भी है, मराठी भी है, मलयालम की भी कुछ किताबें हैं, उर्दू से किताबें हैं, अंग्रेज़ी से हैं,
जर्मन से हैं, फ्रेंच से हैं, इटालियन की किताबें हैं, पोलैंड से हैं। एक और बात, अब जैसे नए राइटर्स का दौर है और पाठक भी नया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब पुरानी किताबों में नहीं मिलती, तो आप जैसे नए राइटर्स को मौका देते हैं, आपके यहाँ से नवीन चौधरी की किताबें काफ़ी फेमस भी हैं, अभी जनता स्टोर उनकी रिलीज़ हुई है, तो उन किताबों के ऊपर फिल्में या सिनेमा कैसे देख रहा है, या आपकी उनसे किसी से बातचीत चल रही है ऐसी किताबों पे, या नए राइटर्स के लिए वहाँ पे क्या स्कोप है आपके पास? जी, आपने जनता स्टोर का जिक्र किया, ये जनता स्टोर प्योरली स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। हमने ज़्यादातर फिल्मों में और किताबों में यही देखा है कि जो जब कोई पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर जब कोई किताब आती है या मूवी आती है, तो वो धीरे धीरे लव स्टोरी पे कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये जो किताब है, ये बिल्कुल पॉलिटिक्स पे है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे, और इन तरह की किताबों का जो थोड़ी सी अलग हट के किताबें हैं जो लिखा जा रहा है, उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और हमने अपनी तरफ से, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेज से हमने बात भी करी है कि हमने इसके सिनॉप्सिस भेजे हैं, वो अपने आप पूरा उसका रिव्यू कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी ही कुछ इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। और अब 2019 में भी और पूरा साल बाकी है, तो क्या क्या नया करने वाले हैं एक प्रकाशक के तौर पे, और नए राइटर्स के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएँ? 2019 में हम भोजपुरी में कुछ किताबें लेके आने वाले हैं। हमने अभी अरुंधति राय की जो किताब हिंदी में ट्रांसलेट करी, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, उसका हिंदी और उर्दू दोनों संस्करण हम एक साथ लेके आए। ऐसी भविष्य में भी हमारी योजना है कि कुछ खास किताबें ऐसी हों जिसका हम उर्दू में भी संस्करण लेके आए, ताकि उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी हुई किताबों की जो रीडरशिप है वो कम होती जा रही है, तो हम चाह रहे हैं कि वो रीडरशिप भी बाकायदा बनी रहे और लोग उस तरह की किताबें उस स्क्रिप्ट में भी पढ़ें। अच्छा, उर्दू को लेके हाल के दिनों में कुछ एक रुझान बदला है क्या? जी बिल्कुल, अब उर्दू को लेके इतने बड़े बड़े फेस्टिवल होने लग गए हैं और इसकी पोटेंशियल पब्लिशर्स को और हर एक को दिखने लगी कि हाँ, उर्दू को पढ़ने, समझने और लिखने वाले लोग हैं, लेकिन वो कहीं बिखरे हुए। हम लोगों को उन सबको जोड़ के एक जगह लाने की ज़रूरत है। वो अलग अलग माध्यम से होगा, फेस्टिवल के माध्यम से होगा, इवेंट्स के माध्यम से होगा। अच्छा, एक बात आती है उर्दू ज़बान की और एक बात आती है उर्दू स्क्रिप्ट की। अगर बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट नहीं भी पढ़ पाते पर ज़बान को समझते, तो ऐसा भी कोई क्या योजना है आपके पास की जिसमें ज़बान उर्दू की, भले ही वो लिखा देवनागरी में? जी, ये तो हमारा चाहत है कि इस तरह की कोई चीज़ आए जो हिंदुस्तानी भाषाओं में लिखी हो, जिसमें अलग इस तरह की मतलब अल्फाज भाषा अलग अलग भाषाओं के हों और स्क्रिप्ट एक हो। इस तरह की चीज़ आए तो बहुत अच्छा है, हम खुशी से उस चीज़ को अपने प्रकाशन में करना चाहेंगे। और इसके अलावा भारतीय भाषाओं में बांग्ला, मराठी, इसका रीडरशिप भी बहुत है, तमिल, तो आपकी योजना क्या उस तरफ जाने की भी है? नहीं, अभी हमारा हमारी योजना इंडियन अदर लैंग्वेजेस में जाने की नहीं है। हमारी योजना है कि हम अपनी जो प्रकाशित किताबें हैं उनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकाशनों के थ्रू उनको अवेलेबल कराएं। नए राइटर्स के लिए आपका कोई संदेश? जी, हम लगातार नए लेखकों को पब्लिश कर रहे हैं जिनकी पहली किताब आई है, जैसे क्षितिज रॉय, वो 22-24 साल का लड़का है, उसकी पहली किताब गंदी बात हम लेके आए। जनता स्टोर के जो लेखक हैं वो, उनकी पहली किताब आई। गौरव सोलंकी हैं, उनकी पहली किताब आई। तो हम ये चाहते हैं कि नया लिखें, अच्छा लिखें, और साथ में जब भी जो लिखें उसका एक सिनॉप्सिस बना के रखें, जब पब्लिशर को अप्रोच करें तो इस तरह से करें, और थोड़ा इंतज़ार करें कि पब्लिशर को समय मिले उनकी किताब का रिव्यू करने को, और अपने जो बेस्ट चैप्टर्स हैं और जो किताब का क्रंच है, जो प्लॉट है, वो अच्छे से समझा के डिटेल में 2-3 पेज में लिखें। और उम्मीद है कि जितना हमारी एडिटोरियल टीम उसे अच्छे से रिव्यू करेगी और संपर्क करके नए नए लेखकों को सबके सामने लेके आएगी। तो दोस्तों, ये थे अलिन हमारे साथ राजकमल प्रकाशन समूह से। हम और भी इस तरह की लोगों से आपसे बातचीत कराते रहेंगे और भी कई तरह की जानकारी आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए IPC, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।